विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की भक्ति को लाया ही इसलिए गया ताकि लोगों को याद आए। जागृत भक्ति ही तेज भक्ति है, जो जागृत कर रही है, याद दिला रही। अंध भक्ति कैसे याद दिलाएगी? अंध भक्ति में तो पता भी नहीं है। भगला भक्ति जो कर रहा है इंसान, उसको तो याद भी नहीं है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे, सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं।
सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य, सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें, मानसिक कमजोरियां, लालसाएं, जो ऐसे काम करवाती हैं जो जमीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले,
सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें, सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। प्रार्थना के अंत में जो तपर्पण करना चाहते हैं वे अपने तप का बल, अर्जित बल समर्पित करेंगे। तपर्पण करें लोक कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। भक्ति को लाया ही इसलिए गया ताकि लोगों को याद आए। जागृत भक्ति ही तेज भक्ति है, जो जागृत कर रही है, याद दिला रही। अंधभक्ति कैसे याद दिलाएगी? अंधभक्ति में तो पता भी नहीं है। भगला भक्ति जो कर रहा है इंसान, उसको तो याद भी नहीं है। वो तो ये देख रहा है कि मैं कैसे झपट लूं, कैसे छीन लूं। बगुले को देखा है ना पानी में खड़े होते हुए, आंख ऐसे बंद करके बैठा बड़ा ध्यान में है, मगर भगला भक्ति कर रहा है। तो बाहर से जज नहीं कर सकते आप। मंदिर में पर्सन बैठा है, ये भक्ति ही कर रहा है, क्या कर रहा है? क्यों? ईमानदारी से उसे अपने आप से पूछना पड़ेगा, कौन सी भक्ति? भगला भक्ति चल रही, अंध भक्ति, या मनोरंजन भक्ति चल रही है? मनोरंजन के लिए गीत गाए जा रहे हैं अगर, तो वो सही भक्ति नहीं है। या बिजनेस भक्ति, कुछ लोग बिजनेस भक्ति करते हैं। ठीक है, मैं इतना इतना करने को तैयार हूँ, मुझे क्या क्या मिलेगा? तैयार है, व्यक्ति करने को तैयार है। जो देवता जो बोलेगा, गणेश का पहले नाम लेना, ठीक है, गणेश को भी खुश करेंगे। शंकर भोलेनाथ है, जल्दी इच्छा पूरी करता है, तो जो जल्दी चाहिए, अर्जेंट चाहिए, वो इससे मांगेंगे। सब उसका व्यापार चल रहा होता है, पूरा बिजनेस चल रहा होता, इसलिए इतने सब चीज़ें बन गई ना। हर तरह के बनाए गए। ब्रह्मचारी हो तो हनुमान जी है, सरस्वती है, ज्ञान चाहिए तुमको, लक्ष्मी चाहिए, माया चाहिए, क्या चाहिए? तो उसके लिए ये भगवान है, इसके लिए ये भगवान है, विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है, कृष्ण भी है। क्या चाहिए उस आधार पर दिया गया। ये माता है, ये राक्षस तुमको परेशान करते हैं, तो माता की आराधना करो। सब दिए गए। तो यहाँ बिजनेस भक्ति चल रही है, असली भक्ति का पता नहीं है। फिर जब एक समझ आती है, इनसे सबसे बाहर आते हैं, यानी क्योंकि ये सब भक्तियाँ जो है वो कौन सी भक्तियाँ है? हिलनी भक्ति है। हिलनी यानी हिल जाती है, जो हिलनी भक्ति। थोड़ा भी मन मुताबिक नहीं हुआ, चलो दूसरा ट्राई करते, दूसरा भगवान ट्राई करते। लोग शेयर करते ऐसा तो चल रहा, अभी हम सोच रहे थे, अभी बस हो गया, बहुत हो गया। अब जानते ना, आस्तिक होता है, इच्छाएं पूरी हो रही है जब तक, तो बोलता है बड़ी श्रद्धा है मेरी, बड़ी विश्वास, बड़ा विश्वास, मगर एक इच्छा पूरी ना होने तो देखो उसकी भक्ति हिल जाती है।
तो हेलेनी भक्ति न हो, अंध भक्ति न हो, बिजनेस भक्ति न हो, मनोरंजन भक्ति न हो, भगला भक्ति न हो। सबसे पहले तो ये समझना क्या न हो। प्रेम से जब प्रेम हो जाता है तो भक्ति शुरू होती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।